दोस्तों आज 16 जून है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 16 जून को जिप्सी आ जाएगी मेरी, तो शमशेर को लेने भेजा है क्योंकि अभी जाऊंगा विंध्यवासिनी माता के मंदिर में पूजा करूंगा, फिर लेके आऊंगा। तो शमशेर जी आधे घंटे पहले निकले हैं, फ़ोन स्विच ऑफ है, अभी आए नहीं हैं, पैदल जा रहा हूँ, रास्ते मिलेंगे। और विंध्यवासिनी मंदिर आ चुके हैं नीचे, यहाँ आने में इनको टाइम लग रहा है। अभी हरिमोहन ने फोन किया तो मालूम चला शमशेर बोला कि नदी में गाड़ी को धो रहा है। अरे मैंने कहा पहले हमें लेके जाओ यार, हम वहाँ विंध्यवासिनी तक पैदल जाना पड़ जाएगा इतनी धूप में। दोस्तों ये जो आपको दीवार सी दिख रही है एक रास्ता है, अभी मेरी निगाह गई क्योंकि मैं गाड़ी से निकलता हूँ वैसे, मतलब और शाम के टाइम निकलता हूँ तो नोटिस नहीं किया कभी मैंने। ये ऐसा एक रास्ता बना है बहुत पुराना, ऐसा 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 जा रहा है, और हरिमोहन बता रहा है कि उसके घर की तरफ भी बना हुआ है, उसके घर हरिमोहन का वहाँ जहाँ गाय है उसके पीछे। तो ये जब नदी में होता था पानी होता था ना, तो यहाँ से लोग चल के जाते थे। अब वो रास्ता खराब हो गया, बीच में खेत वगैरह आ गया, जो भी चक्कर है, वरना एक प्रॉपर रास्ता बना हुआ था यहाँ पे। और अभी तक अभी हमारे शमशेर जी मिले नहीं हैं, ऐसे ही हमारे पास सारे महारथी, ऐसे एक महारथी है कि नाइट कैंपिंग में जाली बंद नहीं करते, वैसे ही सो जाते हैं। एक वो महारथी है जिप्सी लेने भेजा था मोहन के पास, मैंने पूछा भाई कहाँ पहुंचा, इसने पूछा बोला विंध्यवासिनी पहुंच गया। मैंने चलो नीचे चल लेते हैं, अब दो गाड़ी से क्यों जाना, नीचे उतर आए। आई ने फोन स्विच ऑफ, पहले पता चला कि एक किसी ने बताया गाड़ी धो रहा है वही नदी में, अब वहां से भी निकल चुका, इधर आया नहीं है, कोई भरोसा नहीं। पूरे में घूम घूम के ऐलान कर रहा होगा जितने की, ये जिप्सी हम ले लिए हैं, ये जिप्सी हम ले लिए पक्का, वो एक एक के पास गया होगा, ये भी आना वो एक एक ढाबे एक एक जानने वाले के पास गया होगा कि जो जिप्सी देख रहे हो ना हम ले लिए हैं। वो जिप्सी आती हुई दिख रही है और हरिमोहन, पहले मैंने कहा यार तो दूर से थार दिख रही है, तो हरिमोहन बोलता है कि नहीं जिप्सी हो जिसे आपसे भगा रहा है शमशेर भैया ही लग रहा है। तो अभी तो खैर इसलिए भगा रहा होगा कि मुझे पैदल आता देख रहा है, लेकिन तीन जिप्सी तोड़ने का रिकॉर्ड है इसके पास, ये चौथी जिप्सी है मेरी और तोड़ने का इनका महारत है। मैंने इस बार बोला भाई जो भी टूटे हाथ के ठीक कराना है, बर्बाद नहीं, देखो तेज कितना चला रहा है इसमें, अभी पटे टूट जाएंगे। कमर्शियल इसलिए दोस्तों कि ये गेस्ट को लाने ले जाने का काम भी कर लेगी। इतनी तेज चला रहे हो पटे नहीं टूट जाएंगे हैं? धीरे धीरे लाए वहां कहां बैठ, पूरे मोहल्ले पूरे इलाके में वो खबर दिया है? अच्छा एक एक को बता के दिया है कि जिप्सी हम ले लिए? अच्छा चलो आओ, तुम उतरो बाहर, चलो बैक करो फिर। हाँ टायर आगे वाले इसमें इसमें रेडियल डाल रखा है आगे वाले में, पीछे का तो ठीक है। पूरी काटो, इसमें जिप्सी में यही पंगा होता है पावर स्टीयरिंग नहीं होती ना, ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी बढ़िया होती है। बस उतर जाओ, वो पत्थर हटा दो, इसमें जिप्सी में मेरे लिए बैठना जो है बड़ा मुश्किल होता है। जिप्सी में मुझे सिकुड़ के बैठना पड़ता है, अभी घुस रहा था फिर यहां टकरा गया। अभी दोस्तों विंध्यवासिनी माता के मंदिर में पूजा कर लेते हैं और फिर उद्घाटन करते हैं जिप्सी का भालू घाटी से, भालू घाटी चलेंगे। शाम को मैं एक एरिया आपको और दिखा दूंगा जो मैं सिलेरियो से जाता नहीं था, ताल वाला एरिया, एक मेरे वाटरफॉल भी खोजा था यहाँ पे, तब मेरे पास फोर्ड की जीप थी। तो पहले जो मैंने सबसे पहले जिप्सी ली थी तब मैं बांस कटवाने गया था, बांस खरीदने जब रिजॉर्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था,
तो वहां पे मुझे किसी ने बताया पास में एक वाटरफॉल है, तब मैंने देखा वाटरफॉल था। तो गर्मियों में तो नहीं चलता, सर्दियों में बारिश में तो बहुत तेज चलता है। उसका एक वीडियो था, मैंने कई जगह दिखाया, और वो उसका मैंने नाम मैंने रख दिया जंगली वाटरफॉल। पेंट ले जाके मैंने एक रॉक पर लिख भी दिया था जंगली वाटरफॉल एरो वगैरह। स्टार्टिंग में हमने अपने पैकेज में इंक्लूड कर लिया था। यहाँ से हमारा स्टाफ तब फोर्ड की जीप भी ले रही थी बाद में, उसमें तो पावर बहुत थी, उसमें तो 15-15 लोग बैठ जाते थे बोनट पे, तो वहाँ लेके जाते थे। थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता था। लेकिन एक बार मैंने देखा कि उस पर 2 गुफाएं थी, वहां पे हड्डियां चबाई हुई हड्डियां पड़ी थी, तो मैं समझ गया कि ये काम तो हाइना का है। तो फिर मैंने अपने स्टाफ को मना कर दिया कि भाई गेस्ट को लेके नहीं जाना, कोई नहा रहा है पता चला अंदर ही खींच लिया उसने, तो बंद कर दिया था। तो ये बात 2015-16 की है, तब से फिर, और मेरे ख्याल से मैं भी तब 17 के आसपास गया हूँगा, तब से मैं 5 साल से गया नहीं हूँ। तो आज चलते हैं वहाँ का वीडियो बना देंगे। वाटरफॉल तो मेरे ख्याल से सूखा हुआ होगा या थोड़ा बहुत होगा, लेकिन नेचुरल ब्यूटी और वो जो गुफाएं हैं जिसका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, वो मैं दिखाऊंगा बाहर से कि अभी उन गुफाओं का क्या हाल है, क्या वहाँ पे हाइना के निशान है कि नहीं है। तो जिप्सी के आने से ये एडवांटेज, एक तो एडवांटेज ये हुआ कि अब बारिश में हमारा रिजॉर्ट बंद नहीं होगा, क्योंकि ऑफ रोडिंग होगी तो गेस्ट को बोल देंगे आप अपनी गाड़ी बाहर खड़ी कर दो, ये शमशेर या पुष्कर ले जाके रिसीव करके ले आएंगे और गाड़ी उनकी बाहर खड़ी हो जाएगी। तो एक ऑप्शन ये हो गया। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है ये रास्ता बिल्कुल कट जाता है, तो वो नीलकंठ वाली जो रोड है, नीलकंठ महादेव से, वहाँ तक अपनी गाड़ी से लोग आ जाएंगे और फिर इस गाड़ी से करीब 1.5 किलोमीटर का जो वॉक है वो जिप्सी से पिकअप हो जाएगा। तो कमर्शियल नंबर बाद, अदरवाइज मेरे पास ऑप्शन है इसको प्राइवेट कराने का, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं नहीं करा रहा हूँ, इसीलिए कि टैक्स भर दो लेकिन सिर्फ पर्सनल यूज नहीं, कमर्शियल यूज भी कर सकते हैं। तो गाड़ी का इंजन बढ़िया, अभी जो मैं चला रहा हूँ तो जान है, मतलब जैसे हल्का सा झटका दो ये देखो एक हल्के झटके में भाग रही है, पिकअप बहुत अच्छा है। ये घंटी बजा दी है, शमशेर नहीं बजा पाया, हरिमोहन यहाँ से गुजरा है, ये तो जंगल वाला है, ये तो बजा ही देगा। तू भी ट्राई करो एक बार, फुल ट्राई, बस थोड़ा ऊपर से कूदा, ये ऊपर से कूदा है। घंटा ही तोड़ने वाला था। ये विंध्यवासिनी माता का मंदिर, दर्शन हो गए, जिप्सी में लगाने के लिए तिलक भी ले लिया, चुनरी भी ले ली। अभी ये शमशेर नारियल तोड़ रहा है, पहले नारियल तोड़ा, पानी इसने बढ़िया निकाला, गिरा नहीं, तीनों लोग को पीने को मिल गया। लेकिन मैंने कहा भाई छोटे पीस कर लो, वहाँ तो यहाँ तो वो है ना छेनी है। तो ये दोस्तों बिल्कुल रिज है, देख रहे हैं आप, इस साइड भी ये ढाल है, इस साइड भी ढाल है, ये ऐसी पतली सी, इस जगह केवल इतना ही है, इतने में ही है, और वहाँ चौड़ा, जितनी जहाँ जगह मिली उतना कर दिया, इसी को रिज बोलते हैं। और इस पे टाइगर आता है, यहाँ पे टाइगर आता है। ये विंध्यवासिनी माता मंदिर के नीचे ही ये हमारे बिष्ट जी हैं, इनका ये ढाबा है एकदम नीचे। मैगी क्या क्या बनाते हो बिष्ट जी? मैगी, मोमोज, मतलब बहुत कुछ आइटम है, मैगी, मोमोज, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, चाय वगैरह बनाते होगे, है ना। तो इन्होंने क्या किया है, पानी में बैठने का इंतजाम किया है, बिल्कुल मंदिर के नीचे। ये देखिए मंदिर है, ये मंदिर, और मंदिर के ठीक नीचे है, और इसमें मछलियां भी है, मतलब इसमें आप कुर्सी डाल के बैठोगे तो फिश स्पा होगा, आप आराम से बैठे रहो, पैरों का स्पा हो रहा है और आप नाश्ता करते रहो। ये गाड़ी की पूजा चल रही है, ये ऊपर मंदिर है, ये दुकानें हैं, ये सोहनलाल जी की दुकान है, ये अपने जंगली रिजॉर्ट का बोर्ड लगा हुआ है। और वर्किंग डे में ऐसी भीड़ होती, ज़्यादा नहीं होती, तीन सात आठ नौ गाड़ियाँ हैं बस, लेकिन यही संडे जब होगा कम से कम 200 गाड़ियाँ होंगी, वह आंधी चल रही है वहाँ पे।
और ये जो सामने दिख रही यही है टाइगर की टेरिटरी, यहीं से टाइगर ऐसे आता है मंदिर में। ये मंदिर से लाए थे सिंदूर, रोशना और वो चुनरी। तो गाड़ी की हमने पूजा कर दी है, नारियल वगैरह चढ़ा दिया है। तो दोस्तों मंदिर में पूजा भी हो गई, फिर अभी धूप बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि अभी बज रहे हैं 12:15। पहले मैंने सोचा था कि वहीं से वाटरफॉल पास में है, वाटरफॉल चल लेंगे। तो अभी डिसाइड किया है कि खाना लंच वगैरह करते हैं, जब सूरज डूबने को होगा 5:30 बजे के आसपास जाएंगे वाटरफॉल, क्योंकि वहाँ ट्रैक करके भी जाना पड़ता है 1.5 किलोमीटर, जिप्सी पूरी जाएगी नहीं। तो अंधेरा होने के पहले वहाँ से लौट आए और फिर जब हल्का हल्का अंधेरा हो जाएगा तब चलेंगे भालू घाटी। तो आज का यही वीडियो बनेगा, आज का दिन जिप्सी के नाम। और गाड़ी अच्छी है, मतलब मज़ेदार गाड़ी है, सेकंड हैंड है जाहिर सी बात है, लेकिन गाड़ी में कोई कमी नहीं है। मोहन से खरीदी है, मोहन अपना जानने वाला है। और कमाल की बात है कि मोहन को पहली जिप्सी मैंने ही बेची थी, जिम कॉर्बेट से मैंने अपनी पहली जिप्सी खरीदी थी, वो फिर मोहन को बेच दी थी। उसके थ्रू मोहन ने जिप्सी का काम शुरू किया, उसके पहले उसका जनरल स्टोर था। फिर मोहन ने कई जिप्सियाँ खरीदता गया, अच्छा काम चल गया उसका, और वो वाली जिप्सी तो मोहन ने बेच दी थी। फिर मैंने एक पंजाब से जिप्सी लाया था ब्लू कलर की, फिर एक और थी वो कबाड़ी को बेची। कबाड़ी को क्या बेची, वो भी मोहन को ही बेची। हाँ, कबाड़ी को नहीं बेची, कबाड़ी को बेचने का रहा था, लेकिन उसके पार्ट जो है फिर मोहन को ही बेच दिए थे। तो ये वाली भी मोहन से खरीदी, उसने बताया था गाड़ी का इंजन बहुत अच्छा है, पिकअप बहुत अच्छा है, तो गाड़ी अच्छी है। साउंड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत खड़खड़ है, लेकिन इस रास्ते में तो किसी भी गाड़ी में खड़खड़ होती है। और दूसरा एडवांटेज है कि सारी सीट्स वही है, सफारी वाली जिप्सी थी, कल तक तो सफारी करा रही थी। ये देखिए, ये जो स्टिकर लगा है ये राजा जी नेशनल पार्क का सफारी नंबर है। तो जो परमिट इशू होता है ना, हर साल इन गाड़ियों का परमिट इशू होता है। दोस्तों जहां से हमारे रिजॉर्ट का पानी आता है ना, पानी बंद हो गया है। कभी शाम ही है, ऊपर आप आसमान देख रहे होंगे, लेकिन मैं जा रहा हूं उधर देखने कि पाइपलाइन टूटी तो नहीं है। तो जिप्सी आ जाने से ये एडवांटेज हुआ कि पहले जो काम पैदल करने पड़ते थे, वो जिप्सी आप ये देख रहे हो फुल एडवेंचर है। इस रूट में आपने कई बार देखा है मैं ट्रैक करते हुए वीडियो बनाता हूँ, और अभी क्योंकि बारिश आ गई थी तो फिर ये रास्ता एकदम ही खराब हो गया है। लेकिन जिप्सी के लिए क्या खराब है, तो करीब 1/2 किलोमीटर या करीब 1 किलोमीटर थोड़ा कम रूट है ये, तो इसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे कि नाइट ड्राइव भी हो रही है और आप रास्ता देख ही पा रहे होगे, ये रास्ता है ही नहीं, बिल्कुल भालू घाटी की डुप्लीकेट ही घाटी है ये। आप देखिए, और बिल्कुल अपने बगल में ही है, आप देखें बिल्कुल रास्ता नहीं है। ये एकदम आपको बिल्कुल आपने भालू घाटी देखा ही है, रात में नहीं देखा आप लोगों ने, दिन में देखा है, लेकिन देखें रात में भालू घाटी ऐसी ही लगती है। ये दोनों तरफ से घाटी है, पर सबसे बड़ी बात यहाँ भी भालू है यहाँ पे। और ये जो जगह है यहीं से हमारा पानी आ रहा है, ये देखिए ये जो सामने जगह आप देख रहे हो, मैंने कई बार दिन में दिखाई है, ये देखिए नदी से बही हुई सब वो है। और ये सामने जो जगह है, और जब पानी टूट जाता है ना दोस्तों, तो पानी फव्वारे की तरह निकलता है, तो यहाँ निकल तो नहीं रहा है। और जो मैंने जंगल सर्वाइवल की शूटिंग भी करी थी वो भी यहीं करी थी, रात को लेपर्ड यहाँ घूमता ही घूमता है। और ये जो नदी का सोर्स है, जहां से हमारी नदी आती है, हम करीब करीब वहां पहुंचने जा रहे हैं। 2x4 में ही गाड़ी चल रही है, और ये देखिए नदी का जो सोर्स है ये सामने, देखिए नदी का सोर्स आ गया। और यहां से दो नदियां आती हैं, एक ये लेफ्ट हैंड साइड से और ये राइट हैंड साइड से। यहां से हम गाड़ी घुमा लेंगे क्योंकि आगे जा नहीं पाएगी। ये देखिए सामने जो है ये ही एंड है, इसके बाद जो ऊपर आपको पहाड़ दिख रहा होगा, बस यहीं से नदी आती है।
पीछे एक बार टॉर्च मारी है थोड़ा सा ना, कहीं गड्ढे में तो नहीं जा रही। चलो टॉर्च देखो। और जाएगी ना? दोस्तों निकल आई गाड़ी, फंस गई थी क्योंकि ये रेत टाइप की मिट्टी है ना, और सबसे बड़ी बात है कि इस गाड़ी में 4x4 है लेकिन अभी वो कनेक्टेड नहीं है। लेकिन ये था कि हम रिजॉर्ट से भी दूर नहीं थे, यहाँ से तो हम पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ पानी का कोई फव्वारा नहीं निकल रहा है। अब पानी अगर टूटा हुआ है तो जंगल के अंदर टूटा हुआ है, और वहाँ इस टाइम जाना ठीक नहीं क्योंकि आपको पता है कि यहाँ लेपर्ड भी है और यहाँ पर भालू भी है। एडवेंचरस है, मैं तो कह रहा हूँ ये भालू घाटी से भी ज्यादा एडवेंचरस है क्योंकि भालू घाटी में गाड़ी चलाने की जगह तो बनी है एटलीस्ट, यहाँ तो कोई जगह ही नहीं दिख रही है। चाहे जहाँ मुझे बचपन याद आ रहा है, बचपन में पापा के साथ जो मध्य प्रदेश में जाता था रहने वाटरफॉल और सब, तब भी हमारी पेट्रोल जीप ही होती थी, ऐसे ही रास्तों पे चलते थे। कई बार तो एक आध बार तो ऐसा भी हुआ कि रात को गाड़ी की लाइट भी खराब हो गई, चांदनी रात में अंदाजे से चल रहे थे। अभी देखिए सामने घाटी ही दिख रही है ना, एकदम भालू घाटी भी ऐसी ही है। मैंने सिलेरियो से तो बनाया भालू घाटी का, कल जिप्सी से बनाता हूँ आपको ले जाके, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा एक आध स्टेप आगे जा सकते हैं जिप्सी की वजह से। आप देख रहे हैं जिप्सी तो कहीं भी जा सकती है, अब ये कोई गाड़ी चलने का रास्ता थोड़ी ना जहां हम चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है 2x4 में चल रही है, 4x4 में नहीं। जो सामने लाइट्स दिख रही हैं ये अपने रिजॉर्ट की हैं, और अभी गाड़ी के टायर मुझे दिख तो रहे हैं हल्के हल्के से जहां से आया था मैं। ये गाजर घास जो भी अभी जो बेमौसम बरसात हुई थी, और दोस्तों अभी जहाँ मैं गाड़ी से चल रहा हूँ बस यहीं पे एक दिन लेपर्ड बैठा हुआ था, जब मैंने वीडियो बनाया था दहाड़ भी उसमें रिकॉर्ड हुई थी, वहां से खड़े होकर बनाया था, तो लेपर्ड यहीं पे बैठा हुआ था। ये अपनी सामने दिख रही है रिवर फेसिंग हट, अपने रिजॉर्ट में, लेकिन गाड़ी थोड़ी आगे से घुमानी पड़ेगी, यहाँ से घूमेगी नहीं। देख